नबी, हम आपको कामत के अंदर जो आसानी पैदा करेंगे ना, तमाम एतबार से अल्लाह ने फरमाया हम आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मशक्कत के दौर से गुजर रहे थे जब ये सूरतें नाजिल हो रही थी। मक्की दौर बहुत सख्त दौर था, याद रखिए। कैसे कैसे दौर थे इसमें आप सब जानते हैं। जमाना ये है कि लोग गले में फंदा डाल दे रहे हैं, जानवर की गिलाजत सर पे रख दे रहे, सजदे में जा रहे थे ना। एक वाकये में तो ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है और ऊँट की गिलाजत जो कि क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ी होती है, उसका जो पेट के अंदर की गंदगी होती है, जिस जिस कंटेनर में होती है वो, ठीक है, जो ऑर्गेन होता है वो ला के रख दिया गया। और इतना हैवी था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से उठा ही नहीं पा रहे थे, उसको हटाना पड़ा। और वैसे भी आप 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो 40 साल के बाद तो एक तरह से देखा जाए तो एक इंसान की जिंदगी की ढलान होती है। वो तकलीफें फिजिकली आपको तंग किया गया, गले में कोई फंदा डाल दे रहा है, या ताइफ का वाकया ले तो पत्थर इतने मारे जा रहे हैं कि खून से जूतियां चिपक जा रही है आपके पैरों को, ठीक है। या इसके अलावा आप मुख्तलिफ मराहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की देखिए कितने तकलीफ है। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह आसानी करने वाला।